हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए दही मिर्ची लेकर आई हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं। दही मिर्ची बनाने के लिए हमने 1 किलो हरी मिर्च ले लिया है। ये थोड़ी मोटे साइज की मिर्च होती है, इससे दही मिर्ची बनाते हैं। देखिए इसको हमने कट लगा लिया, अच्छे साफ पानी से इसे धो लिया है। उसके बाद में इसे हमने कट लगा लिया है कि इसके अंदर हम मसाला भरेंगे, दही का मसाला। देखिए इस तरह से कट लगा लिया है, बीज निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस कट लगाना है। अब हम मसाला तैयार करेंगे। ये दही ले लिया है, दही को मैंने रात भर बांध के रख दी थी कपड़े में, तो इसका पानी निकल चुका है। हमें हंकड़ लेना है। 1 किलो दही को मैंने बांध के रखा था और इसमें मैंने ये अमचूर पाउडर डाल दी हूँ 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून ही जीरा और 2 टीस्पून सौंफ है। सौंफ और जीरे को मैंने भून के दरदरा पीस लिया है। ये 2 2 टीस्पून है, 4 टीस्पून ये डाल देंगे। नमक डाल देते हैं। दो से 3 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। आप स्वाद अनुसार डालिए, टेस्ट करके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि और आवश्यकता है तो आप डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। धनिया पाउडर 2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें दही को बांध के रखना है रात भर। मैंने एक कपड़े में बांध, आप छन्नी में कपड़े को रख दीजिए दही वाले, और नीचे बर्तन रख दीजिए, ये जैसे इस टाइप की गंजी, उसमें पानी आ जाएगा और अच्छे से ये दही थक्का जम जाएगा इसका। देखिए अब हम इसे मिर्चियों में भर लेंगे। देखिए हमने ये मिर्ची ली और इसमें ये दही वाला मटेरियल भर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से भरना है पूरा। देखिए इस तरह से, और ये हमने थाली ले लिया है, इसमें एक एक करके सुखा यहाँ रखते जाएंगे और बाद में हम धूप में इसे रख देंगे। ऐसी हम दूसरी मिर्ची भर लेते हैं। आप नमक की मात्रा थोड़ी ज्यादा ही रखें क्योंकि सूखने के बाद में थोड़ा कम हो जाता है नमक इसमें। देखिए इस तरह से ऐसी हम सारी मिर्चियों को भरकर सुखा लेंगे। देखिए हमने मिर्चियों को भरकर तैयार कर लिया है, ये हमने भर लिया है। अब हम इसे धूप में सुखा देंगे, 3 से 4 दिन में ये मिर्चियां सूखकर तैयार हो जाएगी। देखिए मिर्ची सूखकर तैयार हो गई है, 3 से 4 दिन लगा है इसे सूखने में, हमने इसे धूप में सुखाया था। अब हम इसे एयरटाइट डिब्बे में भर देंगे। देखिए बहुत अच्छी तरह सूखना चाहिए, हल्की सी भी नरम नहीं रहना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगी। अब हम इसे तल के दिखाते हैं। देखिए तेल गरम हो गया है, हम इसमें मिर्ची तलेंगे। हमने फ्लेम को एकदम कम रखा है। देखिए हमने ऊपर नीचे कर लिया है मिर्ची को, बहुत अच्छे से तला गई है। फ्लेम को लो रखना है। ज्यादा काली नहीं करना है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए
ये हमने मिर्ची को तल के निकाल लिया है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, रोटी पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। दाल चावल के साथ तो विशेषकर बहुत अच्छी लगती है ये मिर्ची। और आप इसी तरह दही मिर्ची बनाइए, देखिए कितनी अच्छी दही मिर्ची बनी है। इसको हम एयरटाइट डिब्बे में भर देंगे और इसका स्वाद लीजिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।